मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लेसन नंबर 1 दैट इज मेडिकल गुजरात उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा था एक बार हम वो रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मेडिकल एज कौन से टाइम तक होता है, दैट इज था वहां पे कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया और कौन कौन जो था सोलंकी डायनेस्टी के ग्रेट रूलर्स थे, ठीक है। वनराज चावड़ा का बेस्ट फ्रेंड कौन था, वनराज चावड़ा का बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था और वनराज चावड़ा ने जो किंगडम बनवाया था वो किंगडम उसने जो है किस नदी के पास, किस रिवर के पास में बनाया था, ठीक है। ये सब जो है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो एक बार हम ये सब देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले है कि मेडिवल एज जो है 746 1304 CE में था, कब था 746 टू 1304, ठीक है, 1304 CE में था। तो ये हमने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने दूसरा पॉइंट क्या देखा था कि वनराज ये जो मिडिवल एज है यहाँ पे इसके अंदर, तो वो कौन से टाइम था, तो ये टाइम था और कौन सी डायनेस्टी ने जो है रूल किया था गुजरात के ऊपर। तो कौन सी डायनेस्टी थी याद है आपको, वाघेला डायनेस्टी, चावड़ा डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी, ये तीन डायनेस्टी के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ये चैप्टर में हमने जो है ये पॉइंट देखा था रेफरेंस। हमने और क्या देखा था, तो जो है यहाँ पे उस टाइम कैपिटल कौन सा था, तो उस टाइम जो है कैपिटल अनिलपुर पाटन था। उस टाइम कैपिटल कौन सा था, तो उस टाइम जो है कैपिटल अनिलपुर पाटन था, ठीक है। अनिलपुर पाटन कहाँ पे बनाया गया था वो क्वेश्चन है, पाटन में सिंपल वनराज चावड़ा ने एक किंगडम बनवाया जो सरस्वती रिवर के यहाँ पे था। वनराज चावड़ा ने एक किंगडम बनवाया जो सरस्वती रिवर के यहाँ पे था। सरस्वती रिवर के यहाँ पे वनराज चावड़ा ने एक किंगडम बनवाया, वो किंगडम का नाम जो है उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के नाम से रखा। किंगडम का नाम जो है उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के नाम से रखा और उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था, तो अनिलपुर पाटन। क्या नाम था उसके बेस्ट फ्रेंड का, उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम था कि अनिल भरवाड़। उसके अनिल भरवाड़ के नाम से जो है अनिलपुर पाटन नाम मिला, ठीक है। और पहले उस किंगडम का नाम अनिलपुर पाटन था जिसको बाद में अनिलगढ़ पाटन नाम दिया गया, ठीक है। ये याद रखना, पहले अनिलपुर पाटन था उसके बाद अनिलगढ़ पाटन हो गया, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे स्कॉलर्स के बारे में, तो स्कॉलर्स में यहाँ पे कौन से नेम लिखे थे, दो नेम लिखे थे, कल्लिका सर्वज्ञ और हेमचंद्र चारे। कल्लिका सर्वज्ञ और हेमचंद्र चारे, ठीक है। कल्लिका सर्वज्ञ थी उसने जो है बुक लिखी थी इसलिए वो भी नाम है, और हेमचंद्र चारे है उन्होंने एक बुक लिखी थी, हेमचंद्र चारे है उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नेम जो है सिद्धेव शब्दानुशासन, उस बुक का नेम है सिद्धेव शब्दानुशासन, ठीक है। ये बुक का नेम है जिस बुक को अर्थ के ऊपर रख, सॉरी एलिफेंट के ऊपर रख के, एलिफेंट जो है उसके ऊपर रख के वहां पे पूरी यात्रा निकाली थी
और इस तरीके से उस बुक की जो है रिस्पेक्ट बढ़ाई थी, और वो बुक जो है गुजराती ग्रामर के बारे में थी। क्लियर? यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है? अब हम आज इसके आगे पढ़ेंगे। क्लियर? समझ में आया? लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसका हमने क्विक रिवीजन कर लिया, सो दैट अगर आप भूल गए थे लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको याद रख जाना चाहिए अभी, ठीक है? अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अमलगेशन ऑफ नॉन वायलेंस। अमलगेशन ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब क्या? अहिंसा, प्रॉस्पेरिटी, तो लक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी दैट इज लक्ष्मी, एंड एजुकेशन, एजुकेशन मतलब सरस्वती, वाज नोटिस्ड इन अनहील वन पार्टन। ये जो तीन जो थी एक्टिविटीज ये नोटिस की गई थी अनहील वन पार्टन में, क्योंकि ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुमार पाल जब वहां पे किंग था उसके रूलिंग के टाइम जो है ये चीज तीन चीजें वहां पे देखने को मिली थी हमें। क्लियर? समझ में आया हमको? ठीक है, तो जो है हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सी तीन चीजें थी। तो एक तो नॉन वायलेंस, याद रखना ये आ सकता है क्वेश्चन आंसर में। नॉन वायलेंस दैट इज अहिंसा, दूसरा था प्रॉस्पेरिटी दैट इज लक्ष्मी। नॉन वायलेंस, प्रॉस्पेरिटी और तीसरा कौन सा था? एंड एजुकेशन। क्वीन उदयमती जो है उन्होंने रानकी वाव जो है इसको अभी रानकी वाव बोला है, बाकी ये रानी की वाव, रानी दैट मीन्स क्वीन, क्वीन की वाव। ठीक है, वाव कैसी होती है? तो बहुत डीप होती है।
आपको वाव देखनी है तो अडालज की वाव जो है वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वाव कैसी होती है। ठीक है, वो देख के आप फिर, और वो कहाँ पे थी? पाटन में। ठीक है, पाटन में रानी क्वीन उदयमती थी जो है, उन्होंने कौन सी वाव बनवाई थी? रानी की वाव। कहाँ पे? तो पाटन में, फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। क्यों बनवाई थी? अनिलपुर पाटन, अनिलवाड़ पाटन में। ठीक है, और क्यों बनवाई थी? क्यों बनवाई बाबा उन्होंने? फार्मिंग में यूज कर सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये वाव बनवाई थी। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन हैं। कोई उदयमती ने कौन सी वाव बनाई थी? रानी की वाव। रानी की वाव किसने बनाई थी? कोई उदयमती। दो क्वेश्चनों में रानी की वाव जो है कहाँ पे है? अनहिलवाड़ पाटन में है। कहाँ पे है? अनहिलवाड़ पाटन में है। पाटन में कौन सी वाव है? रानी की वाव है। तो रानी की वाव जो है कहाँ पे बनवाई थी? तो अनहिलवाड़ पाटन में। और क्यों बनवाई थी? तो फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, पीपल के अच्छे के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर और फार्मिंग के लिए। समझ में आया आपको? ठीक है, ये क्लियर है आपको इतना। और नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला इतना क्लियर है कि आपकी बुक में नोट डाउन कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। चलो मैं ये ऑफ कर देती हूँ, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अलावा। अब हमने क्वीन उदयमती के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्वीन उदयमती के बारे में। अब क्वीन मदर राजमाता वो है मिन्नल देवी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिन्नल देवी जो है उसके बारे में, तो क्वीन मदर राजमाता, क्वीन मदर राजमाता। मिन्नल देवी जो है उन्होंने क्या किया था? तो वो भी जो है
उन्होंने क्या किया था, जो पिलग्रिम टेक्स था ना, पिलग्रिम टेक्स्ट वेव डाउन, पिलग्रिम टेक्स्ट जो लोगों के ऊपर लगता था यात्रियों के लिए यात्रा करने के लिए जो टेक्स्ट, उसको वेव डाउन बंद कर दिया था। ठीक है, ये मीना देवी ने जो है लोगों के बारे में बहुत सोचती थी, बहुत अच्छा सोचती थी, बहुत अच्छी कोई थी, लोगों को किस तरीके से अच्छा हो, फायदा हो, उनको हेल्प जो चीजें चाहिए वो कैसे वो अवेलेबल कर सके, उसके बारे में वो सोचती थी, समझ में। और उन्होंने जो है पिलग्रिम टेक्स जो है वो बंद करवाया था। ठीक है, इतना समझ में। फिर जो है उन्होंने जो है उनके बेटे सिद्धराज जयसिंह जो थे, उन्होंने मालव तालाब, मालव लेक जो है मालव तालाब वो कंस्ट्रक्ट किया धोलका में। ठीक है, सिद्धराज जयसिंह है उन्होंने, इनके बेटे बनवाया कॉन्स्ट्रक्टेड इन्होंने मालूम लिखना। सिद्धराज जयसिंह कॉन्स्ट्रक्टेड मालव है। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरा और एक लेक है जिसका नाम है मुनसर लेक, जो उनकी जो मदर है मीना देवी के इंस्ट्रक्शन के थ्रू उन्होंने बनवाया था। मीना देवी ने जो है लोगों को पानी नहीं था पीने के लिए भी, तो उस पानी वो लोगों के पास पानी नहीं था, इसलिए मीना देवी ने सिद्धराज जयसिंह उनके बेटे जो थे उनको बताया कि लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मुनसर लेक बनवाया था। ठीक है, मालव लेक के अलावा कौन सा दूसरा लेक था ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुनसर, मुनसर कहाँ पे बनवाया था, वो है वीरम गांव में। ठीक है, तो वीरम गांव में लोगों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी चाहिए, लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए, तो वो पानी पीने के लिए पानी नहीं है तो उसको अवेलेबल करने के लिए वहां पे एक लेक बनवाया जाए, और उसका नाम मुनसर लेक दिया गया था, ये वाला जो वीरम गांव में है। क्लियर, सिद्धराज जयसिंह ने कंस्ट्रक्ट किया था मालव लेक में। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे समझ में आए, दो लेक के नाम आए यहाँ पे, दोनों याद रखने हैं, और पिलग्रिम टेक्स्ट जो है वो उन्होंने वेव डॉट निकाल लिया था मीना देवी ने। ठीक है, यहाँ पे नाम के साथ उनकी एक्टिविटी जो है वो याद रखनी है, नाम के साथ उनकी एक्टिविटी याद रखनी है, क्योंकि उस टाइप से ही आपको क्वेश्चन आएंगे, और ये जो है ना ये सब आपको होल लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी हिस्ट्री है, ये सिक्स्थ में है, सेवेंथ में, एट्थ में। ठीक है, इसलिए ये आपको आना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, नाइन टेंथ में भी आएगा।
ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये सब जो है आप कॉपी कर लो आपके बुक में, इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो आपने ये कॉपी कर लिया है तो इसको मैं रफ कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो ये इतना क्लियर था आपको यहाँ तक। अब हम आगे देखेंगे। अब जो है करण देव वाघेला, करण देव वाघेला है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कुछ, और उसके अलावा करण देव वाघेला और अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, उन दोनों के बीच में वार हुआ था। और वहां पे जो है अलाउद्दीन उस वार में, इन द वार विद अलाउद्दीन खिलजी करण देव वाघेला वाज डिफीटेड, और करण देव वाघेला जो है उस युद्ध में, उस वार में हार गए। समझ में आया? एज अ रिजल्ट राजपूत रूल ओवर अनिर्बान केम टू एन एंड। अलाउद्दीन खिलजी है और उनके सामने जो थे कौन थे? करण देव वाघेला। इन दोनों का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और करण देव वाघेला, अब इन दोनों का युद्ध और करण देव वाघेला, इनके युद्ध में जो है करण देव वाघेला जो थे वो हार गए थे और अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। करण देव वाघेला से वो हार गए, तो अलाउद्दीन खिलजी जीत गए, तो ऑब्वियसली ये हार गए हैं। इनका जो राजपूत रूल था वो भी खत्म हो गया अंगिलवाड़ पाटन से। ठीक है, इनका जो भी अंगिलवाड़ पाटन से खत्म हो गया, मतलब अब उनका पावर रूल नहीं रहा अंगिलवाड़ पाटन में। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? फिर अब आगे यहाँ क्लियर नेक्स्ट है। सुल्तान अहमद शाह जो है उन्होंने न्यू सिटी अहमदाबाद जो है रिवर बैंक ऑफ रिवर सरस्वती के पास, सॉरी साबरमती के पास ना, उन्होंने एस्टेब्लिश की थी। कौन? अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अहमदाबाद में रहते हैं, तो एज अ हमारे अहमदाबाद सिटीज है, हमें पता होना चाहिए कि जो हम यहाँ रहते हैं तो ये किसने एस्टेब्लिश की है सिटी, है ना? तो उस किसने की है? सुल्तान अहमद शाह।
अहमद शाह जो थे उन्होंने न्यू सिटी एस्टेब्लिश की थी और उसका नाम अहमदाबाद था, ये जहाँ हम रहते हैं। और 1411 में एस्टेब्लिश किया था बैंक ऑफ रिवर साबरमती, साबरमती रिवर के पास में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अब इसको तो पढ़ाई तो पढ़ाई पर आपको इसको नॉर्मली भी याद रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना, तो अहमदाबाद हम यहाँ रहते हैं, तो अहमदाबाद किसने बनाया, ऐसा क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद जो है अहमद शाह ने बनाया, सुल्तान अहमद शाह। और अहमदाबाद नाम भी जो है वो उनके नाम से ही उन्होंने दिया है, अहमद शाह तो अहमदाबाद, ठीक है, दबाद तो वो पीछे सब में है, मुजफ्फराबाद है ना, है बहुत सारे हैं उसमें पीछे है, ये पीछे अहमद जो है में वो उनके नाम से ही नाम दिया गया है। कौन से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना, सुल्तान अहमद शाह इन्होंने अहमदाबाद एस्टेब्लिश किया न्यू सिटी 1411 में और बैंक ऑफ रिवर साबरमती के पास, 1411 सेंचुरी, हाँ दैट इज सीई, सीई लिख देना है, न्यू सिटी नेम अहमदाबाद जो है 1411 सीई दैट इज सेंचुरी नियर द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। क्लियर, समझ में आ गया सबको, ठीक है। आज जो हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने एक जो है स्टार्टिंग किया क्वीन उदयमती से, ठीक है, क्वीन उदयमती ने क्या किया था, तो उन्होंने जो है एक वाव बनाई थी, क्वीन उदयमती बिल्ड रानी की वाव, क्वीन उदयमती ने रानी की वाव बनाई थी। और उसके अलावा जो है उन्होंने वाव क्यों बनवाई थी, तो पीपल के वेलफेयर, अच्छा उनके बारे में अच्छा सोच के उन लोगों को अच्छा मतलब कि फैसिलिटी मिले, इसलिए उसने वाव बनवाई थी। क्लियर, समझ में आया। फिर क्वीन मदर राजमाता, तो मीना देवी है, उन्होंने पिलग्रिम टेक्स्ट जो है वो बंद करवा दिया था, और जो लोगों की प्रॉब्लम थी कि उनके पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, तो इसके लिए उसने जो है वाव बन लेक बनवाया, सॉरी मालव लेक और मुनसर लेक, मालव लेक जो है सिद्धराज जयसिंह को इंस्ट्रक्शन दिया और फिर उन्होंने बनवाया है, मुनसर लेक जो है वो भी बनवाया है, और वो कहाँ पे है, तो वो वीरमगाम में, मुनसर लेक वीरमगाम में। क्लियर, यहाँ तक समझ में, फिर कर्णदेव वाघेला और जो है अलाउद्दीन खिलजी दोनों की वहां पे वार होता है, बैटल होता है, युद्ध होता है, युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है और कर्णदेव वाघेला हार जाता है, और तब से फिर मुस्लिम का रूल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रूल खत्म कर दिया था, मतलब इनका रूल खत्म हो गया, हरा दिया था, तो राजपूत रूल खत्म, अहमद शाह बादशाह है, अहमद शाह ने अहमदाबाद सिटी बनाया 1411 में, सॉरी 1411 सेंचुरी में बैंक ऑफ रिवर साबरमती के पास। क्लियर, समझ में आया, ये सब कुछ हमने पढ़ा, रिवीजन भी कर लिया, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके,